इराकी पार्लियामेंट ने अमरीका से सिक्योरिटी माहिदा खत्म कर दिया। अमरीकी फौजियों के इराक से इनखला से मुतालिक करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। हुकूमत ईरानी अफवाज का मुल्क से मरहलावार इनखला यकीनी बनाए। करारदाद का मतन, अमरीकी अफवाज को इराक से निकालने के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए। इराकी वजीर आजम का पार्लियामेंट के इजलास में मुतालबा। अमरीकी सफीर की भी दफ्तर खारजा तलबी। अमरीका की इराक में मौजूदगी नामंजूर। इराकी पार्लियामेंट का बड़ा इकदाम। अमरीकी अफवाज के मुल्क से इनखला के लिए करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में तमाम गैर मुल्की अफवाज को निकालने पर भी काम करने का मुतालबा किया गया। उधर इराकी पार्लियामेंट से अहम खिताब करते हुए वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी ने इंकशाफ किया की कि ईरानी जनरल सुलेमानी सऊदी अरब के लिए अहम पैगाम लेकर आए थे। जिस दिन उन्हें कत्ल किया गया उनसे मेरी मुलाकात शेड्यूल थी। अमरीकी अफवाज को इराक से निकालने के लिए पार्लियामेंट को ठोस इकदाम करने चाहिए। जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी का कत्ल एक सियासी कत्ल था। इस कत्ल से इराक अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हक से महरूम हो चुका है। इराक से अमेरिकी अफवाज का इनखला इराक और अमेरिका दोनों के मफाद में है। इस मौके पर इराकी पार्लियामेंट में जनरल कासिम सुलेमानी के हक में नारेबाजी भी की गई। दूसरी जानब इराकी वजारत खारजा ने अकवाम मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को खत लिखा है जिसमें अमरीकी रवैये के खिलाफ रस्मी शिकायत की गई है। इराकी हुकूमत ने अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके मुल्की हदूद में पै दर पै फजाई हमलों पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। इराकी दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर पर वाजे किया की कि अमरीका ने सरजमीन पर हमला करके न सिर्फ हमारी खुद मुख्तारी बल्कि दो तरफा माहिदों की भी खिलाफ वर्जी की है।